हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। जो दुर्लभ मृत्यु आज बाली को मिल रही है, उसके सामने प्रभु किष्किंधा तो क्या, सारा स्वर्ग सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी तुच्छ है। किष्किंधा तो अब सुग्रीव की है। भाई सुग्रीव, तुम्हारे साथ उचित अनुचित जो कुछ भी किया है, उसके लिए तुमसे मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। नहीं भैया, यह आप क्या कह रहे हैं। जाते हुए लेन देन चुका रहा हूं मैं। यदि क्षमा कर दोगे तो मैं शांति और संतोष के साथ प्राण त्याग कर सकूंगा। तुम अपनी किष्किंधा संभालना। नहीं भैया, भूल मुझसे हो गई है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं पापी हूं भैया। किष्किंधा पति आप ही रहेंगे। मुझे किष्किंधा का राज कभी अभिष्ट नहीं था। मुझे तो केवल भैया आपका प्यार चाहिए था। पगले, युद्ध भूमि में रोया नहीं करते। युद्ध भूमि तो मारने या मरने का स्थान है। परंतु भाई के द्वारा भाई की मृत्यु, ये कैसी विडंबना है। ये भाग्य की बात है सुग्रीव। पूर्व जन्म के किसी पाप से हम दो भाई आपस में प्रेम से नहीं रह सके। तात, भ्राता प्रेम का सुख हमारे भाग्य में विधाता ने लिखा ही नहीं था। विधि की ये कैसी विडंबना है। एक मां की कोख से जन्म दिया और फिर बैरी बना दिया। सुग्रीव, मैं आज अभी कुछ क्षणों में अपना जीवन, विशाल वैभव, विपुल संपत्ति, यश अपयश सब कुछ यही छोड़कर यमराज के घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, हमें छोड़कर तुम नहीं जा सकते। भैया ऐसा मत बोलो, भैया तुम ऐसा मत बोलो। जाना तो पड़ेगा ही सुग्रीव, सबको जाना पड़ता है। मैं प्रसन्न हूं तुम्हें रघुनाथ का साथ मिल गया। इससे वानर साम्राज्य को और शक्ति मिलेगी। सुग्रीव, मेरी चेतना अभी लुप्त हो रही है। मेरे गले में पड़ी ये देवराज इंद्र की दी हुई ये दिव्य स्वर्णमाला शीघ्र ही उतार कर तुम धारण कर लो। नहीं भैया नहीं, समय नष्ट ना करो सुग्रीव। नहीं भैया नहीं, इसमें किष्किंधा लक्ष्मी का उदार वास है। यदि ये मेरे मृतक शरीर पर रही तो इसकी
विजय श्री नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरे प्राण रहते रहते इसे निकाल कर तुम धारण कर लो, शक्ति बनी रहेगी। नहीं भैया, किसके दंपति आप हैं, आप ही रहेंगे भैया, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हनुमंत जी महाराज, समय नष्ट न करो, मेरे मेरे गले से उतार कर ये दिव्य माला राजा सुग्रीव के गले में डाल दो, नहीं भैया, ये क्या किया भैया आपने? किष्किंधा के नए महाराज सुग्रीव विजयी भवा, इस विजय माला के साथ बड़े भाई का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा सुग्रीव, श्री राम प्रभु की मित्रता निभाना ही अब तुम्हारा धर्म होना चाहिए, उनकी सहायता का जो वचन दिया है उसे प्राण देकर भी पूरा करना, ये तुम सिद्ध कर देना सुग्रीव, रघुकुल की भांति वानर कुल भी अपना वचन निभाना जानता है, इससे किष्किंधा की कीर्ति बढ़ेगी और वानर कुल का गौरव बढ़ जाएगा, संसार सदा याद रखेगा वानर भी श्री राम प्रभु के कुछ काम आए। भैया सुग्रीव, मेरे ना रहने पर तुम मेरे प्रिय पुत्र अंगद को अपने सगे पुत्र की भांति प्यार देना, भाई अब तुम ही उसके पिता दाता रक्षक त्राता। अंगद किष्किंधा का युवराज है भैया, युवराज ही बना रहेगा, आप उसकी कोई चिंता ना करें भैया। एक एक अंतिम प्रार्थना और स्वीकार करना मेरे भाई। आज्ञा करो भैया। आप किष्किंधा के राज्य सिंहासन पर बैठकर भी तारा का तिरस्कार कभी मत करना मेरे भाई, तारा से परामर्श करके जो कुछ करोगे उसका परिणाम अनुकूल ही होगा, उसकी सम्मति को संदेह रहित होकर मानना भैया। हे राम, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अपराध के कारण उसे अपराधिनी मानकर मेरे पीछे कोई मेरी तारा का तिरस्कार न करे न करे। स्वामी नाथ, स्वामी नाथ, स्वामी क्या हो गया स्वामी? मैंने बार बार चरण पकड़कर मना किया था, इस समय सुग्रीव से लड़ने न जाइए नाथ, इस समय सुग्रीव से लड़ने न जाइए। किष्किंधा के रत्न स्वर्ण सिंहासन के स्वामी, तुम्हारा स्थान यहाँ पर नहीं है, बड़े बड़े गजराज गिरिराज जिसकी ठोकर से धूल दूसरित हो जाते थे आज दूर में पड़े हुए हैं,
नहीं नहीं, उठिए नाथ, आप उठिए। तारा, तारा सगरी के, तुम तो ज्ञान का सागर हो, धीरज रखो। देखो तुम्हारे सामने तीनों लोगों के स्वामी श्री राम खड़े हैं। नहीं नहीं देख सकती स्वामी, मेरा तो त्रिलोक तुम ही हो स्वामी। उठो उठो, अपने किष्किंधा के राजभवन में चलो स्वामी, राजभवन में चलो। कुछ कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ ही श्वास शेष है, फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना अपने पति किष्किंधा के राजा बाली को। बेटा जी, मेरा पुत्र, मेरा अंगद अपने कांधे पर उठाकर ले जाएगा अपने अपार बलशाली पिता को। अंगद, अंगद, मेरे लाल, सुन रहा है तू? अपने प्रतिपालक पिता का आदेश सुन रहा है तू? हाँ माँ। बेटा जी, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं आपका अंगद हूँ पिताजी। स्वामी, अपने वीर सुकुमार लाडले अंगद के मस्तक को चूमकर धीरज तो बंधाइए, इसे कुछ तो संदेश दीजिए स्वामी। अब ये क्रोध और बदले की आग में भभकते काका सुग्रीव के आधीन होकर अपना जीवन कैसे बिताएगा? नहीं, हे सर्वज्ञ, सब पर समान रूप से करुणा करने वाले करुणा निधान, अंगद को अपनी शरण में लेकर इसे भी वही स्नेह सद्भाव प्रदान कीजिए जो आपने सुग्रीव को दिया है। इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए रघुनाथ। अंगद, मेरे पुत्र, तुझे श्री राम प्रभु की शरण में देकर मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है। बेटा, अब देश और काल को समझकर कब और कहां कैसा वर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके ही उसके अनुकूल आचरण करना। अपने पिता के समान बल का दुरुपयोग नहीं करना बेटे। सदैव सुग्रीव काका को ही अपने पिता के समान सम्मान देकर उनकी आज्ञा के अधीन रहना, उनके शत्रुओं का साथ मत देना, सदा स्वामी मानकर सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहोगे तो इनका स्नेह और विश्वास जीत सकोगे पुत्र। समय के साथ ही अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है बेटे। काका पिता के समान होता है परंतु पिता नहीं हो सकता, ये सदा याद रखना। प्राणनाथ, पुत्र को तो पथ निर्देश दे दिया, भाई को किष्किंधा का राज सौंप दिया, परंतु अपने चरणदासी दुखियारी तारा को किसके सहारे छोड़ रहे हो?
मेरा तो जन्म मरण सब आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे भी तो कुछ आदेश देते जाइए स्वामी, मुझे भी साथ लेके जाइए स्वामी। तारा, तारा, आज तक कोई किसी को साथ नहीं ले गया, यही ध्रुव सत्य है। अकेले आना, अकेले जाना, यही सनातन सत्य है, सृष्टि का सनातन नियम है। तारा, तारा, तेरा मेरा अब साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन के अंतिम शोर तक सुख में दुख में जीवन में मरण में कहीं कभी आपसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जहाँ जहाँ है वहाँ मैं हूँ स्वामी। तारा, ओ तारा, आकाश से टूटा नक्षत्र फिर से आकाश में नहीं जुड़ता। देवी, पूज्य वंदनी पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पथिक की आत्मा के लिए वेदना का कारण बन रहा है। शांति से प्राण उत्सर्ग करने दीजिए अपने प्राणाधार को। नहीं, राम, 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 हे राम। करुणा निधान बनते हो तो तारा पर इतनी करुणा कर दो। जिस बाण से मेरे प्राणनाथ का वध किया है उसी से मेरा भी अंत कर दो। हे वीर पत्नी तारा, तुम इस समय शोक सागर में डूबी हो। शोकातुर आवेग में तुम क्या अनितिपूर्ण बात कह रही हो उसका भी भान नहीं है इस समय तुम्हें। नहीं प्रभु, नहीं,
आपके इस कार्य से कोई अनिति कुछ अधर्म नहीं होगा। जिस प्रकार सीता के बिना आप दुखी रहते हैं, स्त्री के बिना पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ग में भी मेरे बिना वानर राज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस तत्व को समझकर आप मुझे भी अपने पति के पथ की अनुगामिनी बना दीजिए, जिससे मेरे पति को मेरे विरह का कष्ट न भोगना पड़े। इससे आपको अपयश नहीं पर उपकार का पुण्य प्राप्त होगा प्रभु। आप धर्मपरायण महात्मा हैं। स्त्री हत्या का पाप नहीं लेना चाहते, परंतु पति विहीन तारा इस समय मात्र स्त्री नहीं वाली की आत्मा है वो, ऐसा मानकर मेरा वध कीजिए प्रभु, आपको पाप नहीं लगेगा। संसार में कन्यादान से महान दूसरा दान नहीं है। हे वीरवर, धर्म दृष्टि से मेरे धर्म पिता के रूप में मुझे मेरे प्रियतम वाली को अर्पण कर देंगे तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा प्रभु। देवी तारा, तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो, परंतु परिणाम इसके विपरीत होगा यह विचार नहीं कर रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और उसी ने सबको सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन मरण सुख दुख ये सब विधि के हाथ है। शूरवीर स्त्री की पत्नी को ये प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। तुम्हारा वाली कहीं गया नहीं? यदि तुम वाली के शरीर को अपना पति मानती थी तो ये धरती जल अग्नि गगन समीर इन पंच तत्वों से रची हुई ये काया यहीं पड़ी है। इसी से तुम प्रेम करती थी, इस काया को ही तुम अपना समझती थी। ये अब भी तुम्हारे समक्ष सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। यदि इसके अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक ना करो। ये ज्ञान देना बड़ा सहज है रघुनाथ, परंतु पति के विरह का दुख सहना बड़ा कठिन है। स्त्री का सारा जीवन केवल उसके पति के लिए है, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। शरीर के आधे अंग को अलग करके शेष अर्धांग से किस प्रकार के कर्म और कर्तव्य की आशा की जा सकती है? अंगद, वत्स, आओ अपने पिताश्री को अपनी गोद में लो। आओ, महारानी तारा, परम विदुषी ज्ञानमयी होकर ये कैसी बात कर रही हैं देवी? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव प्राणी मात्र स्वयं सिद्ध अपना आधार आप है, अपने में ही अपना अस्तित्व निहित है। देवी, सृष्टि का विधान अमर है, न कोई आता है न कोई जाता है। महाराज बाली अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं, इन्हें शांति से जाने दीजिए। अब वानर भालुओं की विशाल किष्किंधा राज्य की आप ही स्वामिनी हैं। आपके अधीन रहकर अंगद इस राज्य का पालन करने योग्य बन सके, इसके लिए पिता माता दोनों का कर्तव्य आप ही को निभाना है। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है उन सब का पालन आप ही को करना है। महारानी तारा, अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका धर्म है। महादेवी, महारानी तारा, महाबली हनुमान ठीक कह रहे हैं, धीरज रखो। देवी, अब वानरराज का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो।
मित्र सुग्रीव, महावीर हनुमान, किष्किंधा पति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का आयोजन करो। वत्स, अंगद, अपने पिता को अग्निदान देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। बाण बलि या भुज बलि सुग्रीव इस समय अत्यंत शोक अवस्था में है, आप इन्हें सांत्वना दीजिए जिससे ये किष्किंधा का राज्यभार संभाल सके। क्यों मित्र? प्रभो, अपने भाई को मारने के बाद राजा बनना मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। मैं महापापी हूं, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। मैंने निश्चय कर लिया है संन्यास लेकर वन को चला जाऊं और अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मित्र, जो तुम कह रहे हो ऐसे समय में वो सर्वथा उचित है। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। यदि तुम ऐसा न कहते तो हम यह समझते
कि क्रोध और प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को जला दिया है, तब हमें तुमसे भय लगता कि सत्ता मिलने पर कदाचित तुम कोई अमानुषी कार्य भी कर सकते हो। परंतु अब हमें विश्वास हो गया है कि प्रतिशोध की जो अग्नि तुम्हारे हृदय में इतने वर्षों से धधक रही थी, वो भाई की मृत्यु के साथ ही शांत हो गई है और तुम्हारे हृदय की कोमल भावनाएं फिर से उजागर हो गई है। जैसे धरती में छिपे हुए सुंदर फूलों के बीच यदि ग्रीष्म ऋतु की धूप में जल नहीं जाते, तो वर्षा ऋतु आते ही उसी जली हुई धरती से सुंदर सुंदर फूलों के अंकुर फूट निकलते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी सद्भावनाएं अब बाहर निकल आई हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। दूसरी बात रही वैराग्य की। सुमित्र, इस समय तुम जिस अवस्था में हो उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब किसी का कोई निकट आत्मीय मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय हर किसी में यह वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, परंतु यह बड़े अल्पकाल के लिए रहती है और थोड़े ही दिनों में मनुष्य फिर उसी माया में फंस जाता है। इसीलिए बुद्धिमान इस अल्प वैराग्य के कारण अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते। इस समय इस विशाल वानर साम्राज्य को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। वीरवर वाली ये राज्य भार तुम्हें सौंप गए हैं, इसीलिए अपने भाई की आज्ञा समझकर ये राज्य तुम्हें संभालना चाहिए। प्रभु, जो सन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो। जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जनसेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका न ही कोई अपना होगा न कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। मित्र, यदि ऐसी वैराग्य भावना तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाए तो तुम आदर्श राजा हो जाओगे। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह क्षणिक वैराग्य है। अतः इस समय अपना कर्तव्य समझकर यह राज्य संभालो, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी एक और प्रार्थना है। आप आज्ञा कीजिए प्रभु। वाली राजकुमार अंगद को हमारी शरण में छोड़ गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके राज्याभिषेक के साथ ही अंगद को भी युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। ऐसा ही होगा प्रभु। यह अत्यंत कल्याणकारी परामर्श है प्रभु। प्रभु, यदि आप कृपा करें तो किष्किंधा पधार कर आप स्वयं अपने हाथों से महाराज सुग्रीव का राज तिलक करें। वृक्षराज, मैं वचनबद्ध हूं जिससे 14 वर्ष तक मैं किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी ओर से लक्ष्मण किष्किंधा जाकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक करेंगे। हनुमान, प्रभु तुम लोग जाकर राज तिलक की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति अरुपति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास बुझत न बुझाए।